बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस हैं फोटोमेथ से रिलेटेड, उन सब के आंसर इंशाल्लाह मैं करूँगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे और बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आ रहे थे, सर ये मुझे मसला है, ये इशू हो रहा है, ये इशू हो रहा है। तो मैंने कहा कि उन सब इशूज़ पर एक ही वीडियो बना दूँ ताकि आपके मसले हल हो जाएँ। और इस वीडियो में जो है मैं आपको तीन चीज़ें आपको बताऊँगा। एक तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का जो है आपको आंसर करूँगा। सेकंड चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग आपने किस तरीके से लेनी है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा कि इस फोटो मैथ पे आने के लिए आपको की नॉलेज कितनी होनी चाहिए, कि आपके पास स्किल कितनी होनी चाहिए, तभी आप एक्सपर्ट बन पाएंगे इस पे, अदरवाइज़ नहीं बन पाएंगे। तो एक्सपर्ट वाला क्वेश्चन मैं लास्ट सेक्शन में रखा हुआ, और उसमें आपको मैं आपको बुक्स भी बता दूँगा कि आपने ये वाली बुक्स रीड कर लेनी है अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं फोटो मैथ के ऊपर। अब आ जाते हैं अपडेट के ऊपर और क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए, जो मैंने पिछली वाली वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो के अंदर जो हुआ ये मैंने बताया कि आप लोगों को कि अपडेट आ चुकी है और उसमें फोटोमैथ टीचिंग स्किल टेस्ट नहीं है। और लोगों ने उसके बाद जाके रिसर्च किया, कुछ को अपडेट दिखी, कुछ को नहीं दिखी। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि आप लोगों की क्रोम अपडेट ना हो या फिर को अपने अकाउंट कोई इशू, कुछ कोई इशू भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद मुझे एक बंदे ने मैसेज किया, सर मैंने अपना अकाउंट पुराना वाला डिलीट किया, और उसके बाद मैंने 4-5 दिन के बाद दोबारा जाके देखा तो वो अपडेट हो चुका था और टीचिंग स्किल टेस्ट नहीं था। तो आप लोगों को मैं ये वाला आइडिया रिकमेंड करूँगा, आप ये वाला आइडिया भी कर सकते हैं, अपना पिछला वाला अकाउंट डिलीट करें और नया वाला अकाउंट से आप सर्च करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको आप अपडेटेड मिलेगी और उस पर टीचिंग स्किल टेस्ट नहीं होगा। उसके बावजूद आपको तब भी शौक है टीचिंग स्किल टेस्ट देने का, जाइए शौक से दीजिए, और उसमें मेरी 2 वीडियोज़ मौजूद हैं, आप जाके देख लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगी टीचिंग स्किल टेस्ट करना किस तरीके से क्लियर है। आपको इतना ही शौक हो रहा है अगर तो करें। और अब आ जाते हैं ट्रेनिंग के ऊपर, और ट्रेनिंग आपने लेनी किस तरीके से। ट्रेनिंग आपने इस तरीके से लेनी है कि देखें, कोई भी आपका ट्रेनिंग सेशन में आप जाएंगे तो ट्रेनिंग सेशन के ऊपर आपको अलग अलग सेशन जो मिले हुए हैं उसकी आपने रीडिंग अच्छे से करनी है। देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपको जैसे कि ट्रेनिंग का एक पार्ट है जेनेरिक कोर्स पहले होता था, उसके मैंने MCQs सॉल्व करके डाले हुए हैं, अगर आप वो जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर उसी तरह के ही MCQs आते हैं, अगर आप वो देख लें, देखें किस तरीके से आते हैं, उसके आंसर याद कर लें, अगर मैच कर गया तो वही आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका ट्रेनिंग इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्लियर आप ऐसे करेंगे, आपके पास जो भी ट्रेनिंग के सेशन आता है उसको आप अच्छे से रीड करें। तो अच्छे से रीड करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि आपकी स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए और कम्प्लीट होनी चाहिए फोटो मैथ के अंदर, तो वो इस तरह का मैथ क्वेश्चन दे देगा कि उसमें जो है वो स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी या कम्प्लीट नहीं होगी। स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल मैथ की इक्वेशन ही कम्प्लीट नहीं होगी। अब मैं मिसाल एग्जाम्पल देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर लिखा और या फिर एक्स स्क्वायर पर पावर 2 ना डाली, या एक्स स्क्वायर लिखा आगे एक्स ना डाला, और कोई भी हो सकता है, या स्टैंडर्ड फॉर्म ना डाली, तो वो देगा कि ये कम्प्लीट है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, तो आप बताएंगे ट्रू या फॉल्स। तो अगर आपने मैथ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ी होगी और यहाँ पे MCQs में आप देखेंगे तो क्लियर आपका हो जाएगा, अगर आपने ढंग से अपने ट्रेनिंग सेशन पढ़ा होगा, रीड किया होगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में मुश्किल हो रही है फिर थोड़ा आपके लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैं आपको अगली वीडियोस में एक एक ट्रेनिंग के अंदर आपको बता दूंगा। मैं करूँगा ये कि हर ट्रेनिंग के अंदर आपको एक एक वीडियो बना दूंगा कि ये ट्रेनिंग का फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं बता दूँ उसका मतलब ये है ये है, उसमें वीडियो इतनी लंबी भी नहीं बना करेगी और आपको समझ में भी आ जाया करेगी। तो इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो बनाऊँगा और आपको वो वीडियो मिलती रहेगी, ताकि आप वो वीडियो जो है वो आप उसको देखें और ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो ये तो बात होगी ट्रेनिंग की। और उसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी होनी चाहिए टीचिंग स्किल टेस्ट पे फोटो मैथ के ऊपर काम करने के लिए। देखें, अलजबरा का जहाँ तक मैंने देखा है, अलजबरा के अंदर तो इतना आपको इशू नहीं है, अलजबरा तो ईजीएसट ही है कि ज़्यादातर मैट्रिक या इंटरबेस तक अगर आपकी अलजबरा है और आपकी इतनी अलजबरा अच्छी है तो आप कर लेंगे। अगर फिर भी आपको अलजबरा थोड़ी इंप्रूव करनी है, आप फोटो मैथ पे आना चाहते हैं, तो आपको मैं बुक्स रिकमेंड कर देता हूँ एक दो, वो आप रीड कर लें, पढ़ लें। अगर वो आपने कर ली तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपने फोटो मैथ टीचिंग स्किल टेस्ट मैथमेटिक्स बेस पे तो नहीं फेल करेंगे। हाँ, जो उनकी रिक्वायरमेंट उसको फेल कर दें तो अलग बात है। अब उसकी बुक्स में आपको बताया तो एक है पेनलेस अलजबरा, वो मैं आपको बुक दिखा भी देता हूँ कि ये वाली बुक है, इस तरीके से आपने इसको सर्च कर लेना है पेनलेस अलजबरा। उसके अलावा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं अलजबरा के ऊपर, वो कर लें तो आपकी आपको मैं गारंटी देता हूँ आपकी हो जाएगा। उसके अलावा ज्योमेट्री के लिए भी आप बुक मैं रिकमेंड करता हूँ पेनलेस ज्योमेट्री, क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें ये है कि सारी आपको ज्योमेट्री की रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं, अगर आप उसको रीड कर लेंगे तो आपको ज्योमेट्री का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक कैलकुलस का सवाल है, कैलकुलस के लिए मैं ये बुक रिकमेंड करता हूँ, कैलकुलस जो है वो हार्वर्ड एंटन की है। मैं पर्सनली रिकमेंड ये इसलिए करता हूँ कि खुद भी मैंने ये रीड की थी। इसमें देखें, ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए,
ये देखें बिफोर कैलकुलस, लिमिट्स, कैलकुलेटरी, डेरिवेटिव, सारे के सारे टॉपिक्स जो है कंबाइन है। उसके अलावा है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इसकी जो अप्लाई एप्लीकेशन है सारी की सारी एक साथ इकट्ठी हो जाती है। तो एडवांस मैथमेटिक्स है वैसे तो इतनी एडवांस मैथमेटिक्स कैलकुलस के लिए वो पूछता नहीं है, लेकिन इसके जो टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, इससे करते हैं तो आपकी अच्छी बात है। और इन बुक्स के जो है वो मैं आपको जहाँ से मैंने खरीदी थी मैं उनके लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने खरीदनी हो तो जाके खरीद लीजिएगा। तो ये तो हो गया बुक से रिलेटेड, और मैं आपको दिखाया तुम्हें बुक्स हैं किस तरीके से। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने बुक खोली हुई है पेलनेस ज्योमेट्री, तो ये वाली बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये लाजमी ख़रीद लें अगर आप फोटो मैथ पे ज्योमेट्री की फील्ड से आप जो है अर्निंग करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये बुक बहुत ही वेल रिटन है। इसमें जो है जितने भी आपने स्कूल में या कॉलेज लेवल तक पढ़ी होगी ज्योमेट्री तो उन सब का कॉम्बिनेशन है, इस एक सब में इसमें कंबाइन कर दिया गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये बुक खरीद लें अगर आप फोटो मैथ में ज्योमेट्री की फील्ड में अर्निंग करना चाहते हैं तो। तो इसमें ये है कि आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा, देखिए ज़रा बुक का नाम पेनलेस ज्योमेट्री है, देख लिया आपने पेन। और इसमें जो है वो अब देखें ज़रा, ये देखें सारे के सारे थ्योरम्स हैं जितने रिलेटेड सारे इसने कंबाइन कर दिए हैं, ज्योमेट्रिक प्रूफ्स हैं चैप्टर टू के अंदर। फिर देख लें एंगल्स हैं, एंगल से रिलेटेड जितने भी वो हैं वो फार्मूलाज हैं या पेयर्स हैं वो सब सॉल्व कर बता दिए उसने। और इसमें जो है वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, पैरालाइंस के फार्मूले क्या होते हैं, और उसके अलावा इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ये बुक आप पढ़ेंगे आपको पढ़ने में भी आसान नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ही ईजी बुक है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं इसको, ईजिली आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगी, उसके बाद आपकी ज्योमेट्री इतनी हो जाएगी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे फोटो मैथ के, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये बुक अगर आपने नहीं खरीदी पढ़ें अगर फोटो मैथ पे ज्योमेट्री की फील्ड से आप अर्निंग करना चाहते हैं तो। और इसके अलावा अगर आप अलजेब्रा करना चाहते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, वो बुक है पेनलेस अलजेब्रा, वो भी आपको दिखा देता हूँ। और अलजेब्रा के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, लेकिन पेनलेस अलजेब्रा ये आप ख़रीद लीजिएगा। तो और इन दोनों बुक्स का जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो अगर आपको ख़रीदनी हो तो वहाँ से जाके ख़रीद लीजिएगा। अब इसमें है क्या, इसमें सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंटीजर्स वगैरह ये सारी बेसिक लेवल पे मौजूद हैं। उसके अलावा इक्वेशंस वगैरह और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और रूट्स, रेडिकल्स, क्यूब रूट्स, बेसिक लेवल की चीज़ें। उसके अलावा नीचे एडवांस टॉपिक्स आ जाते हैं, सीरीज, सीक्वेंस और बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें कंबाइन है। इसमें ये कि इजीली रिटर्न है, ये बेसिक लेवल की चीज़ें अलजेब्रा की। इससे एडवांस लेवल की करना चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करें अलजेब्रा की, अलग अलग बुक से खरीदें। उनमें एक दो बुक्स हैं उनके मैं लिंक डाल दूँगा, अगर आपने ख़रीदनी हो तो ख़रीद लीजिएगा। उसके अलावा बाकी बुक मैंने आपको बता दी थी कि कैलकुलस के लिए हार्वर्ड एंटन की बुक है, तो वो आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। अब बुक्स के अलावा मैंने आपको ये भी गाइड कर दिया कि फोटो मैथ अपडेट के हवाले से जिनको नहीं हो रहा वो क्या करें, अपनी अकाउंट डिलीट करें, और उससे क्या होगा कि आप लोग जब दोबारा लॉग इन करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो है वो अपडेट मिल जाएगी आपको, उसमें टीचिंग स्किल टेस्ट नहीं होगा। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आपने कौन सी बुक्स लेनी है ताकि आपका फोटो मैथ पे अर्निंग स्टार्ट हो जाए एज एन मैथ एक्सपर्ट। और उसके अलावा मैंने आपको ये बताना था कि वैसे तो आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा कंटेंट मौजूद है यूट्यूब के ऊपर और अलग अलग, वैसे भी आप रिसर्च करें तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन चीज़ें आपको ये होना चाहिए कि ऑथेंटिक ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ऑथेंटिक और रियल चीज़ ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई लॉकडाउन सिचुएशन में, मुझे जब काम की ज़रूरत थी तो मैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे गया, वहाँ पे मैंने फाइंड किया कि मुझे कोई काम, मतलब मैं कौन सा काम कर सकता हूँ ऐसा फ्रीलांसर। तो हुआ ये कि बहुत सारे चैनल्स से मैंने सर्च किया तो उसमें से मैं उनकी वीडियोस देख के जाता था उन वेबसाइट्स के ऊपर, तो वहाँ पे काम होता नहीं था और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं थी जिस तरह की मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जिसको भी फॉलो करते हैं देखेंगे क्या वो आप तक रियल चीज़ पहुँचा रहा है नहीं पहुँचा रहा, अगर उसने खुद काम नहीं किया उस वेबसाइट पर तो वो आपको कैसे गाइड करेगा, अगर नहीं भी किया कम से कम रिसर्च अच्छी करके आए वो ताकि आप सही से गाइड कर सके। ये ना हो कि सुनी सुनाई बात पे आपको बता दे कि आप यहाँ चले जाएँ यहाँ से अर्निंग कर लें, इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। मुझे फॉलो करें ना करें लेकिन ये है कि आप ऐसे को किसी बंदे को भी फॉलो करें जिससे आपको ऑथेंटिक चीज़ मिले। अभी तो मैं सिर्फ आपको फोटो मैथ के हवाले से गाइड कर रहा हूँ, इसके अलावा फिर मैं जैसे ही ये फोटो मैथ की मुझे लगेगा कि अब काम मुझे कंप्लीट हो चुका है मैं दूसरी वेबसाइट्स के बारे में आप लोगों को गाइड करूँगा कि इसकी कितनी ऑथेंटिक है और कितना परसेंट आपके चांसेस हैं इसमें सक्सेसफुल होने के, ताकि आपको जो है वो ऑनलाइन अर्निंग शुरू हो सके। यानी हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर जिसमें आप लोगों को मैं ट्रेनिंग फोटो मैथ की और लेटेक्स के बारे में बताऊँगा और बहुत ही जल्द मैं फाइनल टेस्ट के बारे में भी आपको बताऊँगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफ़िज़।